स्टोरी विद अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं 200 साल की सुहागिन एक इच्छाधारी नागिन की कहानी, उपन्यास नागिन और सुहागिन। आज आप लोग सुनेंगे इस नोवेल की 5वीं एपिसोड। आदरणीय श्रोता नमस्कार, अभी आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विद अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। आज के एपिसोड में आप लोग सुनेंगे सस्पेंस थ्रिलर और सुपर नेचुरल कहानियों पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प नॉवेल नागिन और सुहागिन, इस उपन्यास की 5वीं कड़ी। अगर इससे पहले आप लोग इस नॉवेल के प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी मन की बात, अपनी सलाह सुझाव, अपना ओपिनियन और फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और सुपर नेचुरल उपन्यास नागिन और सुहागिन। सुनिए इसी उपन्यास की 5वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। दिव्या की आंखें हैरत से फैल रही थी और वो इस दिव्य दृश्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसने एक भयंकर काली नागिन का अस्तित्व धुएं के एक गुबार में विलीन होते देखा, फिर देखते ही देखते धुएं के उसी गुबार से एक अनिंद्र सुंदरी प्रकट हुई। वो वहीं थी, उसके जिस्म पर वही नई नवेली दुल्हन का सुर्ख लिबास था और वो 16 श्रृंगार किए हुए थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए सुहाग सेज पर जाने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए थी। उसके चेहरे से एक अनोखा ओ सम्मोहित कर देने की क्षमता रखने वाला तेज फूट रहा था। वही दिव्य सुगंध जिसे कि दिव्या पहले भी महसूस कर चुकी थी, इस दिव्य सुंदरी के जिस्म से फूटकर पूरे वातावरण को मोहित कर रही थी। मगर इस बार दिव्या डर नहीं रही थी, चेहरे पर आतंक के भाव नहीं थे, बल्कि उसका चेहरा सख्त हो रहा था, उसकी आंखें सुंदरी के चेहरे पर गड़ रही थी। तुम, सुंदरी के होठों पर मुस्कुराहट इस प्रकार उभरी जैसे हसीन फूलों की एक पूरी बगिया खिल उठी। हाँ, मैं ही हूं, उसका खन खनाता सा स्वर दिव्या के कानों में मंदिर की घंटियों की तरह गूंजा। तानी, पहचाना मुझे? तुम फिर आ गई? फिर क्या, मैं तो बार बार आती रहूंगी। क्यों, तुम नहीं जानती क्यों आती हूं मैं? क्यों आती है? हर घड़ी मैं अपने प्रियतम की विरह की आग में किस प्रकार तड़पी हूं इसका अनुमान तुम नहीं लगा सकती। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती कि इस प्रकार अपने प्रियतम के करीब होकर भी मैं उससे कितनी दूर होती हूं। मैं उससे मिलने के लिए हर समय इसी प्रकार तड़पती रहती हूं जैसे जल बिन मछली। मैं इसलिए आती हूं कि दूर रहते हुए भी अपनी आंखों से अपने प्रियतम के दर्शन कर लेती हूं। उससे दो बातें करके मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे विरह की ज्वाला में जलते हुए मेरे जिस्म पर शीतल जल की फुहारें पड़ रही हो। मगर मेरी जिंदगी में ऐसे क्षण केवल कुछ ही देर के लिए मुझे ठंडक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद तो मैं वैसे ही तड़पने लगती हूं, पहले से भी कई गुना पीड़ा होने लगती है। उसने कहा, उसके अंदर की तड़प उसके शब्दों से भी साफ साफ महसूस की जा सकती थी। मगर दिव्या स्वयं भी तो कम दुखी नहीं थी। देखो तुम, दिव्या ने स्थिर स्वर में कहा, तुम जो भी हो, कोई भी सैली नागिन हो या औरत हो या फिर कोई बहुरूपनी हो या तुम कोई वास्तविकता हो या कोई सपना, सपना
उसने दिव्या का वाक्य बीच में ही काट दिया। तुम अभी इसे सपना समझ रही हो? इसका मतलब तुम मेरे अस्तित्व को भी नकार रही हो। मैं कुछ नहीं नकार रही। अब भी तुम मेरी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम कहती हो तो स्वीकार कर लेती हूं, इससे क्या अंतर पड़ता है? मगर क्या, तुम जो भी हो मैं तुमसे विनती कर रही हूं। वो विनती? हाँ, हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रही हूं। मगर विनती क्यों? देखो मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस समय। कहते हुए दिव्या के चेहरे पर दुख की रेखाएं वास्तव में ही गहरी हो गई। मैं बहुत परेशान हूं, तुम समझ भी सकती कि हमारे ऊपर किस प्रकार मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए मैं विनती करती हूं तुमसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि हमारी दुश्वारियों में इजाफा मत करो, चली जाओ यहां से। मैं पहले ही कम दुखी नहीं हूं। दुखी? ओ सुंदरी हंसी, तुम्हें क्या दुख हो सकता है? ये तुम शायद नहीं समझ सकती, तो तुम समझाने की कोशिश करो। हमारे दुश्मनों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, ऊपर से तुम हो कि हमें चैन से जीने भी नहीं दे रही हो। तो ये दुख है तुम्हें कि तुम्हारी धन दौलत छीन गई है। तुम उन सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए दुखी हो। तुम उन भौतिक सुखों के लिए दुखी हो जो वास्तव में कुछ भी नहीं है। मगर तुम्हें जो सुख प्राप्त है उसे पाने के लिए तो मैं सारी दुनिया की दौलत पर ठोकर मार सकती हूं। यदि कोई मेरे प्रियतम को मुझसे मिला दे तो मैं उसके सामने सारी दुनिया की दौलत का ढेर लगा सकती हूं। वो सब मेरे लिए तुच्छ है जिसके लिए तुम दुखी हो। और जो दौलत तुम्हें हासिल है, तुम्हें जिस आदमी का प्यार हासिल है, उसकी बराबरी दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। मगर तुम तो मेरा वो सुख भी नहीं देख पा रही। सब कुछ खो जाने के बाद मेरी जिंदगी का वही तो एक सहारा रह गया है तुम हो कि मेरे प्यार को भी मुझसे छीन लेना चाहती हो। तुम मुझ पर इतनी सी दया भी नहीं कर सकती? दया? ओ व्यंग से मुस्कुराई, दया और तुम पर? क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम्हें क्या दुख दे सकती हूं मैं? मैं तो किसी को कभी कोई दुख नहीं दिया। मैं तो किसी को दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती। तुमने तो मुझे वो दुख दिया है जिसे बड़ा दुख इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तुम ही हो। उसने दिव्या की ओर देखा। दिव्या को उसकी आंखों में नफरत नजर आई। जिसने मेरा सुहाग मुझसे अलग कर दिया है, तुमने मेरे प्रियतम पर अधिकार कर लिया है। उस प्रियतम पर जिसका इंतजार मैं 16 श्रृंगार की 200 साल से कर रही हूं, और विरह की इस आग में एक पल किस तरह बीत रहा है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम जिस दुख के लिए दुखी हो वो तो कोई दुख ही नहीं है। और मेरे चारों ओर दुख का जो विशाल सागर है उसकी एक बूंद भी तुम सहा नहीं कर सकती। यदि यही सुख तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो मेरा प्रियतम मुझे लौटा दो, तो बदले में दुनिया भर की दौलत मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी। दुनिया के कीमती से कीमती हीरे मोती मणिकों का ढेर लगा दूंगी तुम्हारे सामने, मगर मेरा प्रियतम मुझे लौटा दो। ये झूठ है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना है। मैं तुम्हारे किसी हक पर अधिकार नहीं किया है। विजय मेरा है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। जिंदगी की कल्पना भी उसके बिना नहीं की जा सकती, वो भी मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम हमारे इस प्यार में हलचल पैदा करने की कोशिश मत करो। शांत जल में पत्थर मारना पाप है, वैसा पाप मत करो। तुम हमें चैन के साथ जीने दो। विजय मेरा है, केवल मेरा। दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों पर स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ है, उसने कहा। यदि ऐसा ना होता तो तुम देख सकती थी कि वो ना विजय है और ना तुम्हारा है। तब तुम देख सकती थी कि वो हंसुकी है। हंसुकी मेरा प्यार, मेरा सुहाग, मेरे जिंदा रहने का मकसद, मेरा प्रियतम जिसके लिए मैं एक एक पल
तड़प तड़प कर 200 साल गुजार चुकी हूँ। मगर याद रखो, हमेशा तुम मेरे इस हक पर अपना अधिकार जमाए नहीं रख सकती। एक दिन मेरा हंसुकी मेरी ओर खींचा चला आएगा। जिस सांसारिक प्यार का पर्दा तुमने उसके मस्तिष्क पर अपने स्वार्थ के लिए डाल दिया है, एक दिन वो पर्दा हट जाएगा। ये झूठ है, हमारे प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता। तुम उस प्यार पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गई हो जो कि तुम्हारी है ही नहीं। इससे बड़ी स्वार्थ की बात और हो भी क्या सकती है। मगर याद रखो, मेरा हंसुकी मेरा है, सिर्फ मेरा, उसे कोई नहीं छीन सकता। एक दिन तुम्हारे जादू के प्रभाव से वो मुक्त होगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। उसे पाकर मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी। तुम झूठ बोल रही हो, ढोंग रच रही हो। जो कुछ तुमने कहा है वो सब झूठ है, वो ऐसा होना संभव ही नहीं हो सकता। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे ढोंग तुम किस लिए रच रही हो, तुम चाहती क्या हो और इस प्रकार तुम साबित क्या करना चाहती हो। ओ हंसी, मैं कुछ साबित करना नहीं चाहती। जो सच्चाई है उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं क्या चाहती हूं ये तुम्हें बता ही चुकी हूं कि तुमने मेरे प्यार पर डाका डाला है और उसे मैं तुमसे हासिल करके ही रहूंगी। मगर ये कैसे हो सकता है? विजय विजय है, वो चेतन प्रताप सिंह का बेटा है, उनकी पत्नी की कोख से जन्म लिया है, सारी दुनिया जानती है। मगर तुम उसे न जाने क्या क्या बता रही हो। तुम जिसका इंतजार 200 साल से करती बता रही हो, उसकी उम्र तो मुश्किल से 30 बरस की ही रही होगी। कौन तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकता है? मेरी बात पर कोई विश्वास करता है या नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं है। मगर दुनिया तो वही जान सकती है जो उसने देखा हो सकता है। इसीलिए दुनिया केवल वही जानती है कि विजय चेतन प्रताप सिंह का बेटा है, क्योंकि उसने उनकी पत्नी की कोख से जन्म लिया है। दुनिया ने केवल यही देखा है। मगर जो कुछ दुनिया ने नहीं देखा उसे न तो वो जान सकती है और न ही उस पर विश्वास कर सकती है। वो क्या है जो दुनिया ने नहीं देखा? दुनिया ने वो नहीं देखा कि ये किसी एक जन्म का किस्सा नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर की कहानी है और जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। तुमने देखा है? दिव्या के स्वर में व्यंग था। देखना क्या, मेरी तो ये कहानी ही है। इस कहानी में कितनी तड़प है उसे मैंने स्वयं भोगा है। अच्छा, दिव्या के स्वर में अभिव्यंग था। क्या है वो कहानी? तुम सुनोगी? सुनाओ। मगर तुम तो मेरी किसी भी बात पर विश्वास करती नजर नहीं आ रही। मैं विश्वास करूं या ना करूं तुम्हें उसे क्या, तुम्हारी कहानी तो मैं फिर भी सुनना चाहती हूं। तो फिर सुनो, उस सुंदरी ने कहा। जरा इधर देखो मेरी आंखों में, शायद तुम्हें विश्वास आ सके। क्या है तुम्हारी आंखों में? वो कहानी मेरी आंखों में ही है। दिव्या की नजरें ना चाहते हुए भी उस ओर उठ गई। उसकी आंखों में सचमुच कोई ऐसा आकर्षण था कि एक बार उसकी आंखों में देखने के पश्चात अपनी नजर नहीं हटा सकी। उसे लगा जैसे उसके मस्तिष्क पर कोई सम्मोहन छा गया हो। वो किसी अनजाने से संसार में डूबती चली गई। और यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पेड़ों झाड़ियों ओ हरी हरी घास, उस पथरीले जंगल में अनंत तक फैली हुई प्राकृतिक सौंदर्य की छटा इस तरह फैली हुई थी कि वो बरबस ही किसी का मन मोह सकती थी। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई कोलाहल नहीं, चारों दिशाओं में शांति ही शांति थी, अनंत शांति। वहीं एक आस्थान पर घने पेड़ों के साय में एक गुफा थी। गुफा का मुंह अधिक संकरा नहीं था, कोई भी व्यक्ति थोड़ा झुककर उस गुफा में प्रवेश कर सकता था। मगर गुफा की बनावट देखकर ये अनुमान लगाना कठिन था कि ये कोई प्राकृतिक गुफा थी या किसी मानव शिल्पी के हाथों का करिश्मा। यदि ये मानव हाथों का करिश्मा था तो यही कहा जा सकता था
कि किसी पहाड़ी टीले को प्राकृतिक गुफा का रूप देने में उसने अपनी कला की साधना का ऐसा नमूना पेश किया था जिस पर उसे स्वयं गर्व हुआ होगा। अंदर से गुफा का आकार साधारण आकार के एक कमरे के बराबर था तथा उसके बीचों बीच एक शिवलिंग उभरा हुआ था। ये शिवलिंग एक ऐसे चमकदार पत्थर का बना था जो रोशनी की किसी मामूली सी किरण से ही मोती की तरह चमकने लगता था। शिवलिंग के सामने पद्मासन की मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके चेहरे पर किसी दिव्यात्मा का तेज था, ऐसा तेज कि उस पर नजरें टिकाए रखना संभव ही नहीं था। उसके सिर और दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए उसकी दाढ़ी के बाल उसके कदमों का स्पर्श कर रहे थे। वो साधु निश्चित रूप से कोई दिव्य पुरुष था जो कि उस समय समाधि में लीन दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें उस समय मूंदी हुई थी। कुछ पल बाद उस साधु के मुंह से ओम का नाद इस प्रकार बुलंद हुआ कि गुफा की दीवारें कई पल तक उस नाद से प्रतिध्वनित होती रही। फिर उस साधु ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसे अपने सामने काले रंग के दो नाग दिखाई दिए जो अपना चौड़ा फैन फैलाए जमीन से 1.5 फुट ऊंचे खड़े थे। साधु के आंखें खोलते ही नागों के उस जोड़े ने अपने फन एक बार झुकाए तथा फिर सीधे खड़े हो गए। साधु कुछ पल तक उनकी ओर देखता फिर साधु की दाढ़ी में छुपे होठों पर मुस्कुराहट उभरी। आयुष्मान भव। साधु के मुंह से आशीर्वाद सूचक शब्द बुलंद हुए तो शायद नागों के उसी जोड़े के लिए था। नागों का जोड़ा अभी उसी प्रकार स्थिर खड़ा था। जाओ अब, साधु ने कहा, मगर नागों के जोड़े पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। साधु की आंखों में प्रश्न सूचक भाव उभरे। अब क्या बात है, साधु ने उनकी ओर देखते हुए कहा। आशीर्वाद तो तुम पा चुके हो, और क्या चाहते हो? साधु इस प्रकार कह रहा था जैसे नागों का ओजोड़ा इंसानों की भाषा समझता हो। इस बार उत्तर में नागों के उस जोड़े में एक ने, जिसका रंग दूसरे से कुछ गहरा काला था, अपनी जीभ बाहर निकाली और साधु ने जैसे इसका अर्थ तुरंत समझ लिया। उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव उभरे। ऐसी क्या बात है जिसे तुम कहना चाहते हो मगर कहते हुए हिचक रहे हो? उत्तर में उसी नाग ने अपना फन एक बार फिर जरा सा झुका दिया। हिचकिचाओ नहीं हंसु की बेटे, साफ साफ कहो, वेहिचक कहो कि क्या बात है। इस बार वही नाग अपने दूसरे साथी की ओर घूमा। उसके साथी ने भी वैसे ही किया। उन दोनों ने अपने फन झुकाकर एक दूसरे के बहुत करीब कर लिया। साधु उनकी ये हरकत देख रहा था। फिर दोनों ने अपनी लपलपाती जीभ निकाली। उनके फन एक दूसरे के इतना करीब थे कि उनकी जीभें एक बार एक दूसरे से स्पर्श हो गई। इसके पश्चात वे एक बार फिर पहले वाली स्थिति में आ गए। उनके फन फिर से साधु की ओर घूम गए। साधु कुछ पल तक अजीब सी नजरों से उनकी ओर देखता रहा। उसके इस तरह देखते रहने से वो जोड़ा कुछ विचलित सा नजर आया, मगर अगले ही पल साधु के होठों पर मुस्कुराहट उभरी तो गहरी होती चली गई। तो ये बात है, साधु ने कहा, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था और तुमने ये फैसला कर भी लिया, मगर अच्छा ही किया तुमने। प्यार तो एक पवित्र भावना है, इसके लिए तुम मेरी इजाजत चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम एक दूसरे को प्यार करते हो और प्यार के पवित्र बंधन में हमेशा के लिए बंधने का फैसला कर लिया है, तो प्यार की इस पवित्र भावना को कभी कमजोर मत होने देना। प्यार एक पवित्र भावना तो है ही, मगर इसकी डगर बड़ी कठिन है।
कभी कभी प्यार में बड़ी बड़ी परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। यदि ऐसी कोई परीक्षा की घड़ी आए तो उसमें तुम्हें खरे उतर कर दिखाना होगा। जाओ, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। आज पूर्णिमा है, आज से ठीक 15 दिन बाद अमावस्या की रात्रि में इसी जगह पर भोले शंकर के सामने वेद मंत्रों के साथ मैं तुम्हें एक दूसरे का हाथ थमा दूंगा। तब तक इंतजार करना होगा तुम्हें और संयम के साथ रहना होगा। साधु की इन शब्दों के साथ नागों का वो जोड़ा साधु के सामने झुका और उसकी ओर सरकने लगा। साधु ने उनका मंतव्य समझते हुए अपने दोनों पैर आगे कर दिए। दोनों नागों ने अपने फन साधु बाबा के पैरों पर रख दिए। साधु बाबा का दहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गया। इसके पश्चात ओजोड़ा वापस मुड़ा। कुछ देर तक ओजोड़ा बराबर बराबर में सरकता रहा तथा फिर विपरीत दिशा में मुड़कर गुफा की दीवारों के साथ बनी दरारों में अलग अलग दीवारों से सरक कर गायब हो गया। वो अमावस से एक दिन पहले की रात्रि थी, मगर अमावस की रात्रि की तरह ही काली और अंधेरी थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे ही अंधेरे में एक भयंकर बिस्तर अपने बिल से बाहर आया तथा खुरदरी जमीन पर तेजी से फिसलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी लंबाई 2 मीटर से भी अधिक थी तथा देखने में वो साक्षात मौत का दूसरा रूप नजर आ रहा था। वो कभी कभी अपना फन फैलाकर फुंकारता था तो आसपास की घास तक भस्म हो जाती थी। एक स्थान पर वो रुका तथा कुंडली मारकर बैठ गया। उसने अपना फन चौड़ा करके जमीन से ऊंचा उठकर इधर उधर घुमाने लगा। उसकी ये क्रिया जिसमें ठंडी झुरझुरी पैदा करने की क्षमता रखती थी। फिर उसने अपना फन झुकाया तथा अपनी लपलपाती जीभ निकालकर वो वहां की जमीन को स्पर्श करने लगा। कुछ पल तक वो जमीन की एक निश्चित परिधि में चक्कर काटता रहा। इसके बाद उसने अपना फन सिकोड़ा और उसका मुंह काफी चौड़ा खुल गया। उसी घड़ी उसके मुंह से कोई चीज बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ी। वो अर्धरात्रि का समय था। जैसे ही वो वस्तु उस नाग के मुंह से बाहर आई तो जमीन का वो घेरा जिसमें वो चक्कर काटता रहा था एक दैवी नीले प्रकाश से जगमग जगमग करने लगा और जमीन के उस टुकड़े को दैवी प्रकाश में जगमग कर देने वाली किरणें उसी वस्तु से फूट रही थी जो उस नाक के मुंह से बाहर निकली थी। उस वस्तु का आकार अंगूठी के बराबर था जिसमें चकाचौंध कर देने वाली किरणें फूट रही थी। उन्हीं किरणों में उस जमीन पर उगी घास पर ओस के कण भी मोतियों की तरह चमक रहे थे और उसकी चमक से उस नाक की आंखें भी चमक रही थी। उन्हीं चमकती आंखों में उस स्वयं भी मंत्रमुग्ध सा उस वस्तु की ओर देखता रहा। वह मणि थी, नागमणि। वो मणि जो लाखों नागों में किसी एक के मुंह में होती है और जिसे वो नाग अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है। उसके खो जाने पर नाग अपना फन मार मार कर अपनी जान दे देता है और उसे देखकर वो मदमस्त होकर उसके दैवी प्रकाश में विचरण करता है और वैसा ही वो नाग भी उस समय कर रहा था। मणि के प्रकाश में वो मंत्र मुग्ध हो चुका था। वो प्रकाश के उसी घेरे में मस्ती के साथ विचरण करने लगा। मोतियों की तरह चमकती ओस की बूंदों पर तक उसकी लपलपाती जीव स्पर्श कर रही थी। उसी समय उसी स्थान पर खड़े एक विशाल और पुराने वृक्ष के फंसियों में हलचल पैदा हुई, मगर नाग को इसकी परवाह नहीं थी। वो तो अपनी ही मस्ती में डूबा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सावन की वो काली और अंधेरी रात उसके लिए जश्न की रात हो। उसी समय उस पुराने विशाल वृक्ष से कोई वस्तु जमीन की ओर लपकी। नाग ने भी उस वस्तु को जमीन की ओर लपकते देखा। पल भर के लिए वो विचलित हुआ,
मगर केवल परभल के लिए। अगले पल ये वस्तु उस मणि के ऊपर इस प्रकार गिरी कि मणि का अस्तित्व चारों ओर से उस वस्तु के नीचे दबकर समाप्त हो गया तथा जमीन का ओघेरा भी उसी अंधेरे का एक हिस्सा बनकर रह गया। वो मध्यम आकार की एक कड़ाही की तरह की वस्तु थी जिसके किनारे जमीन से इस प्रकार स्पर्श कर रहे थे कि जमीन के और उसके बीच में जरा भी जगह खाली नहीं बची थी। मस्ती के साथ विचरता हुआ वो नाग उसी क्षण बुरी तरह से विचलित ओ बेचैन हो गया। वो तेजी से उस ओर ही लपका जहाँ की उस कड़ाहीनुमा वस्तु ने उसकी मणि का अस्तित्व अपने अंदर समेट कर समाप्त कर दिया था। नाग ने उस कड़ाही के चारों ओर घूमकर उस वस्तु के नीचे से अंदर घुसने का प्रयास किया मगर वहां इतनी जगह ही नहीं थी कि वो अपने प्रयास में सफल हो पाता। फिर भी वो कुछ देर तक ऐसा प्रयास करता रहा मगर इस काम में उसे न तो सफलता मिलनी थी और न ही मिली। अब उसने अपना फन उठाकर ऊपर उस ओर देखा जिधर से आकर ये वस्तु जमीन पर गिरी थी। उसी समय उस वृक्ष की घनी पत्तियों के बीच से वृक्ष की एक मजबूत शाख पर एक इंसानी चेहरा उसे नजर आया जिस पर नजर पड़ते ही वो क्रोध से फूंफकार उठा। उसका फन क्रोध के मारे फैलकर बहुत चौड़ा हो गया। उसके मुंह से भयंकर फूंफकारें निकलने लगी ऐसी फूंफकारें कि जिनके प्रभाव से आसपास की घास तक जलकर भस्म हो रही थी। उस समय यदि वो इंसान उसके सामने होता तो निश्चित रूप से नाग उसे अपनी फूंफकारों से ही जलाकर भस्म कर सकता था मगर वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रकृति का वो अनुपम भेंट जो उसे दी गई थी और जिसे कोई भी नाग जिसे वो हासिल होती है अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है का लुटेरा उसकी आंखों के सामने था मगर कुछ नहीं कर सकता था। एक बार नाग ने फिर कड़ाही जैसी वस्तु की ओर देखा। उसकी ऊपरी सतह पर एक एक इंच लंबी सुइया सी हर एक सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार गड़ी हुई थी जैसे वो उगी हुई हो। उनके ऊपरी सिरे अत्यंत नोकीले थे। ये देखकर वो नाग बेचैन ओ विचलित अवश्य नजर आया मगर उसके क्रोध में किसी प्रकार की कमी नहीं आई बल्कि ऐसा लगता था जैसे क्रोध से पागल हो उठा। फिर इसी पागलपन में उसने अपने फन से उस कड़ाहीनुमा वस्तु पर प्रहार किया मगर इसके परिणाम में उसका पूरा जिस्म तड़प कर रह गया। उसने अपना फन उठाया तो उसके साथ ही उसके फन के निचले हिस्से से रक्त की कुछ लकीरें जमीन की ओर लपकती नजर आई। वो सुइया उसके फन में घुस गई थी मगर उसकी पीड़ा उसका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। उसके मुख से एक बार भी भयंकर फुफकार निकली और उसने अपना फन दोबारा पटक दिया। परिणाम इस बार भी वही निकला। उसका फन लहूलुहान हो गया। उसका फन और भी अधिक जख्मी हो गया मगर वो तो क्रोध में इस प्रकार पागल हो गया था कि उसे न तो अपने जख्मों की परवाह थी और न ही उनकी पीड़ा थी। फिर वो अपने फन को बार बार उस कड़ाही पर पटकने लगा मगर कड़ाही तक पहुंचने से पहले ही वो नुकीली सुइया उसके फन में गड़ जाती थी। शायद वो अपने क्रोध से मजबूत लोहे की कड़ाही को ही जलाकर रख देना चाहता था मगर ये क्षमता न तो उसके जहर में थी और न ही उसके क्रोध में। इस प्रकार वो अपना फन उन नुकीली सुइयों पर पटक पटक कर उसे जख्मी करता रहा और लहूलुहान होता रहा। कुछ ही देर में उसका फन बुरी तरह से छत बिछत होता रहा मगर क्रोध भरी फुफकारें अभी उसके मुंह से निकल रही थी। ये बात शायद वो भी जानता था कि इस प्रकार उस मणि को हासिल करना उसके लिए संभव नहीं था जिसे कोई जालिम उससे अपनी धूर्तता और चलाकी के बल पर छीन चुका था मगर इस तरह उसे हासिल करने के प्रयास में वो फन पटक पटक कर अपनी जान तो दे ही सकता था
और यही वो कर रहा था। फन वो अभी पटक रहा था मगर उतनी जल्दी जल्दी नहीं। शायद उसके जिस्म की शक्ति अब समाप्त होती जा रही थी और अंत में बहुत धीमे से उसने अपना लहूलुहान फन उठाया और उस कढ़ाई नुमा वस्तु पर पटक दिया। शायद यही उसका अंतिम प्रयास था। इस बार वो सुइया उसके फन के निचले हिस्से में घुसकर ऊपर की ओर पार हो गई। उसने अपने फन को उठाने का प्रयास किया मगर इसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा प्रयास उसने दो एक बार फिर किया मगर असफल। अब शायद उसके जिस्म में उस शक्ति नहीं रह गई थी। उसका फन उन्हीं सुइयों में फंसकर रह गया तथा शेष जिस्म बुरी तरह से तड़पने लगा। ऐसी भयंकर और दर्दनाक मौत उसने शायद स्वयं ही अपने लिए चुनी थी। कुछ पल बाद उसके जिस्म का तड़पना भी शांत हो गया था। शायद उसका अंत हो चुका था मगर उसकी पूंछ इसके पश्चात भी तड़पती रही। इसके साथ ही वो इंसानी साया उस विशाल वृक्ष से नीचे आने लगा। उसके हाथ में कोई चीज थी जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे सकती थी। फिर उसके एक हाथ में कोई चिंगारी सी चमकी जो शायद माचिस जलाने से उत्पन्न हुई थी। फिर उसके दूसरे हाथ में जो वस्तु थी वो एक लंबी लौ के साथ जलने लगी। इस प्रकार चलने वाली वो पटेर की नली थी। उसके कारण कुछ दूरी तक उस भयंकर अंधकार का अस्तित्व मिट गया था। उसी प्रकाश में वो साया साफ साफ नजर आया। वास्तव में वो इंसानी साया ही था। पटेर की जलती हुई नली का सुर्ख प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ने से उसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। उसके हाथों में कोहनियों तक चमड़ा बंधा हुआ था तथा पैरों में जूते से ऊपर भी उसी प्रकार का चमड़ा था जो घुटनों की ऊंचाई तक उसकी टांगों के उस हिस्से पर लिपटा हुआ था। विभिन्न जातियों के जहरीले सांप इस जंगल में काफी संख्या में पाए जाते थे और ऐसा प्रबंध उसने शायद उन्हीं के बचाव में किया हुआ था। पटेर की जलती हुई नली हाथ में थामे वो उसी कढ़ाईनुमा वस्तु की ओर बढ़ गया जो उसे कुछ ही कदम के फासले पर थी और उसे पेड़ की ऊंची शाखा से निशाना लगाकर मणि के ठीक ऊपर गिराने का कारनामा उसी ने अंजाम दिया था। सांप का फन अभी उसी प्रकार कड़ाही में लगी सुइयों में गड़ा हुआ था मगर पूंछ के अलावा उसका सारा जिस्म शांत था। उसके अलावा नाग में कहीं जीवन के चिन्ह शेष दिखाई दे रहे थे तो थी उसकी आंखें जो कि पहले की तरह ही चमक रही थी बल्कि उससे भी अधिक। मगर वो व्यक्ति शायद इन मामलों में माहिर था। वो जानता था कि उसकी चमकती आंखें वो पूंछ में हरकत होने के बावजूद भी वो जिंदा नहीं था। उसने एक ओर कड़ाही में बेखौफ होकर अपनी उंगलियां धसाई तथा उसे ऊपर उठाकर एक ओर उलट दिया। वो काफी दुस्साहसी जान पड़ता था। उस भयंकर अंधेरी रात में वो मुर्दा नाग और भी अधिक भयंकर लग रहा था। उस घड़ी कोई साधारण आदमी उसकी आंखों से देख लेता तो भय के कारण चेतना पर काबू पा लेना शायद ही उसके लिए संभव हो पाता। उसने कड़ाही नुमा वस्तु को जैसे ही एक ओर लुढ़काना चाहा उसकी सुइयों में फंसा नाग का फन उसी के वजन के कारण उनसे निकलकर दूसरी ओर जा पड़ा। कड़ाही के नीचे से वही दिव्य मणि पुनः अपनी चमक की मनमोहक छटा एक बार फिर वातावरण में बिखेरने लगी। जमीन के हिस्से का वही दायरा फिर से नीले प्रकाश में जगमगाने लगा। उस व्यक्ति ने झुककर उस मणि को अपनी उंगलियों में फंसाकर उठाया तथा अपनी हथेली पर रख लिया। सीधा खड़ा होकर कुछ पल तक मंत्र मुग्ध सा प्रकृति के उस हसीन और नयाब उपहार की दैवी चमक को देखता रहा। उसकी आंखों में
उस समय उस मणि से भी अधिक गहरी चमक थी। उस घड़ी वो अपने आप को शायद दुनिया का सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था, क्योंकि प्रकृति का वो अनमोल खजाना अब उसके पास था, जिसकी प्राप्ति की कल्पना भी हर आदमी नहीं कर सकता था। और इसे हासिल करने में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, क्योंकि मणिधर नाग का जहर इस कदर भयंकर होता है कि उसका डंक मारना तो दूर, उसकी फुफकार तक से मनुष्य दूसरी सांस लेने का अवसर नहीं पा सकता था। और इस काम में उसे जरा भी चूक हो गई होती या उसका निशाना जरा भी चूक गया होता तो नाग उसे क्षमा नहीं कर सकता था, और वो उस अनमोल मणि को प्राप्त करने का सपना ही आंखों में बसाए जमीन पर पड़ा होता तथा उसका निर्जीव जिस्म उस मणि के प्रकाश की तरह ही नीला पड़ गया होता। मगर अब वैसा कोई खतरा बाकी नहीं था। उसने जेब से सनील की एक डिबिया निकाली तथा उस मणि को संभालकर उस डिबिया में रखने के पश्चात उसे जेब के हवाले कर दिया। ठीक उसी समय आसमान में तीखी चमक के साथ बिजली तड़तड़ाई और बारिश की तेज बौछार पड़ने लगी, मगर उस व्यक्ति ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। बारिश की बौछार के कारण पटेर की वो जलती वाली बुझ गई तथा वातावरण पहले की तरह ही अंधेरा हो गया, मगर इसकी परवाह ना करते हुए वो व्यक्ति इस प्रकार आगे बढ़ गया जैसे वो उस जंगल से इस प्रकार परिचित हो कि इतने घने अंधकार में भी पगडंडी तलाश करना उसके लिए कोई मुश्किल काम ना हो। उस समय उसके चेहरे पर किसी प्रकार के आतंक और खौफ के कोई भाव नहीं थे, जबकि वो जानता था कि इस जंगल में कदम कदम पर जहरीले सांपों का खतरा है। बारिश का वेग अब और भी तेज हो गया था। एक वैसा ही नाग, यदि कोई अंतर था तो बस इतना ही कि उसका रंग उतना गहरा काला नहीं था, उसी ओर तेजी से रेंगता हुआ बढ़ रहा था। उसके मुंह से बार बार भयंकर फुफकारे इस प्रकार निकल रही थी कि वहां की जमीन तक काली पड़ती जा रही थी। वो उसी नाग के करीब पहुंच गया जहां वो मणिधर पहले ही निर्जीव पड़ा हुआ था। दूसरा नाग उसके करीब ही जमीन पर अपना फन पटक पटक कर मारने लगा। कई बार वो जमीन पर अपनी लंबाई की आधी ऊंचाई तक ऊपर उड़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे अपने साथी की हत्या पर वो क्रोध में पागल हुआ जा रहा हो। कई पल तक इसी प्रकार क्रोध का प्रदर्शन करते रहने के पश्चात वो रुक गया। उसने अपने फन को फैलाकर जमीन से मुश्किल से 6 इंच ऊपर उठाया तथा अपने साथी की ओर देखने लगा। उसकी चंचल आंखें कुछ पल बाद उसके मृत साथी की आंखों में देखती हुई स्थिर हो गई। उसकी मोती जैसी चमकती आंखों से एक दिव्य ज्योति सी निकलकर मृत नाग की आंखों में समाती हुई प्रतीत हुई और फिर वे आंखें सुर्ख होती चली गई। इसके पश्चात उसने अपना फन झुकाया और उसे अपने मृत साथी के फन पर पटक दिया, ऊपर उसके फन पर टिका दिया जो आधा फैला हुआ था। उसका शेष जिस्म अपने मृत साथी से लिपटने लगा और उसने अपने जिस्म को बल दे देकर उसे इस प्रकार चिपटा लिया कि किसी रस्सी की तरह दिखाई देने लगे। अपने साथी की मौत पर दुख और उसे अपने असीम प्रेम प्रदर्शन करने का उसका यही तरीका था। बूढ़े साधु की आंखों और चेहरों से असीम वेदना के चिन्ह अस्पष्ट नजर आ रहे थे। एक नाक का आधा फैला हुआ फन साधु के पैरों पर टिका हुआ था और साधु उसी की ओर देख रहा था। मैं तेरे दुख को समझ रहा हूं तानी बेटी, साधु कह रहा था। तेरा हंस की एक स्वार्थी इंसान की भेंट चढ़ गया, मगर तू क्या समझती है कि मुझे दुख नहीं है? मैंने इंसानों की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण इतनी दूर आकर तुमसे ही अपना रिश्ता जोड़ा था, इतनी दूर आकर कि जहां तक इंसानी गंध भी ना पहुंच सके, तुमसे रिश्ता जोड़कर ही मुझे निस्वार्थ प्यार का
एहसास हुआ था। और आज एक इंसान ने ही न सिर्फ तुझसे तेरा प्यार छीन लिया, बल्कि मेरा बेटा भी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। तुम दोनों ही मेरे बच्चों की तरह थे। मेरे बच्ची, तुम्हारी पीड़ाओं में मैं स्वयं भी बराबर का भागीदार हूँ, मगर अब इसके लिए सब्र कर लेने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। ओ नाग, सीधे साधु तानी कहकर पुकार रहा था। और जो नागिन थी वो एक बार अपना फन उठाकर एक बार साधु की ओर किया तथा फिर उसी तरह उसके पैरों पर टिका दिया। मैं समझ गया तानी बेटी, तू यही तो कह रही है कि मैंने तुम दोनों को ही दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। मैंने ही किया था बेटी, मगर आशीर्वाद देना ही मेरा अधिकार है। ईश्वर की इच्छा में दखल देना तो मेरे वश में नहीं है, उसकी यही मर्जी थी। उसकी मर्जी के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस स्वार्थी इंसान भी तो उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब भी पाने में सफल नहीं हो सकता था। ये सब ईश्वर की ही इच्छा थी, इसके लिए सब्र करो मेरी बच्ची। नागी ने अपना फन उठाकर दो बार साधु के पैरों पर मारा। हाँ, मैंने ही कहा था, साधु ने इस प्रकार कहा जैसे वो उसके हर संकेत को समझता हो। मैंने ही कहा था कि प्यार की परीक्षा की घड़ी में तुम्हें खरी उतर कर दिखाना होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है बेटी कि तुम भी अपनी जान देकर अपना अंत कर लो। नहीं बेटी, ये उचित नहीं होगा। ये तो उस परम पिता की सत्ता के साथ विद्रोह होगा। तुम ऐसा नहीं करोगी तानी, इस प्रकार तो तुम्हारे अंत के साथ ही तुम्हारे उस प्यार का भी अंत हो जाएगा जिसे मैंने जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहने का आशीर्वाद दिया था। यदि जन्म जन्मांतर तक तुम्हें अपने प्यार को जिंदा रखना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी का अंत नहीं करना है, बल्कि उसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हारे प्यार में इतनी पवित्रता, इतनी ताकत है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार एक बार फिर प्राप्त होगा, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। उसके लिए तुम्हें लंबे समय तक शिव की आराधना करनी होगी। वो आराधना मैं स्वयं तुम्हारे लिए कर सकता था बेटी, मगर मेरे लिए अब ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे इस जिस्म का सफर अब पूरा हो चुका है। मुझे कल ही ये जिस्म छोड़ देना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा ही, मगर एक निश्चित अवधि के बाद तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं अपनी इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाया करूँगा। खैर, अभी तुम वो सुनो कि तुम्हें करना क्या है। तुम एक लंबे समय तक शिव की आराधना करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हारे अशांत मन को शांति मिलेगी और तुम्हें लंबी उम्र प्राप्त होगी। इस तरह शिव को प्रसन्न करके नाग जाति की उस उम्र को तुम प्राप्त कर सकोगी जहाँ पहुंचकर नाग वो शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा वे इच्छाधारी रूप धारण कर सके। जब तुम ये शक्तियाँ प्राप्त कर लोगी, उसी समय वो शक्ति भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी कि तुम अपने हंसुकी को पहचान सको, भले ही वो किसी भी रूप में हो, किसी भी जन्म में हो और किसी भी योनि में हो। तुम्हें वो शक्ति भी उसी तरह प्राप्त हो सकती है कि तुम अपने हंसुकी को अपने इस जन्म के प्यार की याद दिला सको। जब ये सारी शक्तियाँ तुम हासिल कर लोगी, तभी तुम्हें इस बात का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा जिसके बल पर तुम अपने प्यार को दोबारा हासिल कर सको। इस प्रकार तुम अपने प्यार को फिर से प्राप्त कर सकोगी और तुम्हारे प्यार की यही सच्ची परीक्षा भी होगी, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर तुम अपने प्यार को हासिल तो कर सकती हो, मगर ये रास्ता आसान नहीं है। ये बहुत कठिन रास्ता है तानी, मगर हर प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते हुए तुम्हें इस रास्ते पर बढ़ते रहना होगा। तब तक बढ़ते रहना है जब तक कि तुम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर सको। तुम्हें उस मंजिल को पाना होगा तानी, अपने प्यार को हासिल करना होगा। यही तुम्हारी परीक्षा होगी और इस परीक्षा में तुम्हें खरी उतर कर दिखाना होगा। मैंने इसी परीक्षा के लिए कहा था तुम्हें
बोलो कर सकोगी ऐसा? नागिन तानी ने अपना फन उठाया तथा कुछ फल तक उसे साधु के सामने हिलाती रही। शाबाश तानी, मुझे ऐसी ही उम्मीद थी तुमसे। यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो निश्चिंत रहो, इस परीक्षा में तुम सफल होकर निकलोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तानी ने एक बार फिर अपना फन उठाकर झुका लिया। साधु ने शायद उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए थे और उसने कहा था कि वो सब कुछ समझ गई और अपने प्यार को पाने के लिए वो किसी भी परीक्षा के लिए तैयार है तथा वो इस रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करेगी। ठीक है तानी, अभी कुछ देर बाद हम वही चलेंगे जहां हंसुकी का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ है। मैं उसके शरीर पर एक ऐसे रसायन का लेप करूंगा जिसके कारण वो हजारों वर्ष तक भी खराब नहीं होगा, और उसे सुरक्षित रखना होगा तुम्हें, क्योंकि पहली बार वो अपने शरीर में प्रविष्ट होकर तुमसे उसी रूप में मिलेगा जिसमें वो तुमसे बिछुड़ा है। इसलिए उसके जिस्म की सुरक्षा तुम्हें हर कीमत पर करनी होगी। इसके बाद हम हंसुकी के निर्जीव जिस्म को लेकर वापस यहीं आएंगे। ये सारी बातें मैंने तुम्हें समझा दी है, मगर एक बात याद रखना कि ये सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद यदि तुम मेरा आवाहन करना चाहो तभी करना जबकि बहुत जरूरी हो। इसके सिवा कोई विकल्प ही शेष ना रहे, क्योंकि एक बार मेरा आवाहन करने के लिए तुम्हारी और मेरी तपस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं भूल गया था, जब हंसुकी के साथ तुम्हारा मिलन होगा तो तुम्हारी ही तपस्या की ताकत से उसे भी इच्छाधारी रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कल शाम को मैं इसी गुफा के पिछवाड़े चला जाऊँगा, यही मेरी और तुम्हारी इस जन्म की अंतिम भेंट होगी। तुम कभी इसके बाद गुफा के उस हिस्से में जाने की कोशिश मत करना तानी बेटी, कभी भावुक होकर यदि तुमने ये भूल कर डाली तो तुम्हारा ये रिश्ता यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर ना तो तुम्हारी कोई तपस्या तुम्हें उस शक्ति प्रदान कर सकेगी कि तुम मेरा आह्वान कर सको, और न ही मेरे अंदर उस शक्ति रहेगी कि तुम्हारे आवाहन पर मैं अपने आप को तुम्हारे सामने अपने इसी रूप में प्रकट कर सकूं। तानी कुछ पल तक उसी प्रकार साधु के पैरों पर अपना फन टिकाए रही। उसके बाद उसने अपना फन उठाया तथा साधु के जिस्म पर सरकती हुई उसके गले से अपने जिस्म को लिपटा दिया। फिर अपना फन उठाकर साधु के माथे को अपनी लपलपाती जीभ से स्पर्श किया तथा अपना फन साधु के सीने पर टिका दिया। रो नहीं बेटी, साधु ने अपना ममता भरा हाथ उस पर फिराया। मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है तानी, ये सब तो उस परम पिता का विधान है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शिव की आराधना करने पर तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा और तुम शांति प्राप्त कर सकोगी। मगर तुमने हंसुकी को अपना पति मान लिया था, एक दिन उसे प्राप्ति तुम करोगी, इसलिए अपने आप को कभी विधवा मत समझना। तुम सुहागिन हो, हंसुकी ने केवल ये जिस्म छोड़ा है मगर उसकी आत्मा जिंदा है, इसलिए तुम आज भी सुहागिन हो, कल भी सुहागन रहोगी और जन्म जन्मांतर तक सुहागिन रहोगी। यही सच्चाई है और यही मेरा आशीर्वाद है। तानी ने अपना फांसी कोड लिया। जैसे साधु बाबा की बातों से उसे शांति प्राप्त हुई हो। दिव्या को अपनी कहानी सुना चुकने के बाद और आज 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये तानी यानी कि काली नागिन का स्वर था। मैंने अपने हंसुकी की आंखों में उस स्वार्थी जालिम की तस्वीर को देख लिया था जिसने मेरे हंसुकी को अपने स्वार्थ में अंधा होकर अलग कर दिया था। मैं उस जालिम की सूरत को कभी नहीं भूल सकती। तब से आज तक वो 3 बार जन्म ले चुका है और 3 बार मैंने उससे अपना
प्रतिशोध लिया है। मैं तब तक उस जालिम से प्रतिशोध लेती रहूंगी जब तक मेरा प्यार मुझे नहीं मिल जाता, और तब तक मेरे प्रतिशोध का शिकार होता रहेगा। मगर अब मुझे वो सारी शक्तियां प्राप्त है, उन्हें पाने के लिए मैंने सैकड़ों वर्षों तक शिव की आराधना की है। अपने प्यार को पाने के लिए मैंने वर्षों घोर तपस्या की है। इसके लिए मेरे रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई, मगर मैंने हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था, सच्चा है और हमेशा सच्चा ही रहेगा। अब मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं है, अब तो मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगी। इसके लिए कोई ताकत अब मुझे नहीं रोक सकती। दिव्या के मस्तिष्क में उसी समय झटका सा लगा। उसे लगा जैसे वो किसी काल्पनिक संसार से वापस लौटी हो। नहीं, उसके मुंह से आतंकित सा स्वर निकला। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तानी ने उसकी ओर देखा। तुम विजय को मुझसे अलग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो मेरा प्यार है, मेरा सुहाग है, मैं उसे क्यों प्राप्त नहीं कर सकती? तुम किस जन्म की बात कर रही हो? वो मैं नहीं जानती, मैं जानना भी नहीं चाहती, मगर इस जन्म में वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तानी हंसी। तुम्हें अभी तक शायद मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास हो तब भी तुम मेरा इस जन्म का सुहाग नहीं उजाड़ सकती। तानी फिर हंसी। इसका विश्वास तुम्हें उस दिन हो जाएगा जिस दिन मेरा हंसू की मेरा साथ चला जाएगा। उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसी दूसरे के सुहाग पर डाका नहीं डाल सकती। मैंने किसी के सुहाग पर कोई डाका नहीं डाला है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, बल्कि तुम स्वयं ऐसी कोशिश कर रही हो, तुम स्वयं हमें परेशान कर रही हो। मगर मैं तुमसे फिर भी प्रार्थना कर रही हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं कि हमें इस प्रकार परेशान मत करो। हम पहले ही कम परेशान नहीं है, हमारे ऊपर वैसे ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। यही तो इंसानी स्वार्थ की प्रवृत्ति है, वो केवल सांसारिक दुखों की ओर दौड़ता है और उसे प्राप्त करने के लिए वो इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो कोई भी बुरे से बुरा काम करने से भी नहीं चूकता। ये भी तो एक इंसानी स्वार्थ का ही परिणाम है कि मैं 200 साल से अपने प्रीतम से मिलने के लिए तड़प रही हूं। तुम्हारा ये सोचना सही नहीं है तानी, दिव्या ने कहा। हर इंसान के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि किसी स्वार्थी इंसान ने कोई कष्ट पहुंचाया हो, मगर इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि पूरी मानव जाति ही स्वार्थी और जालिम हो गई। भौतिक सुखों के लिए इंसानी दौड़ की प्रवृत्ति हर इंसान में वैसी ही पाई जाती है। इस प्रवृत्ति से एक भी इंसान बचा हुआ नहीं है। तुम्हारे मन में बस यही एक धारणा घर कर गई है, इसलिए इससे आगे तुम कुछ सोच ही नहीं सकती। खैर, मैं अब अधिक बहस करना नहीं चाहती, तानी ने कहा। बातों बातों में रात बीतती जा रही है, मुझे अपने हंसुकी से भी कुछ बातें करनी है। एकांत में कहते हुए तानी ने विजय की ओर देखा। आओ मेरे प्रियतम। नहीं, तुम विजय को नहीं ले जा सकती। घबराओ नहीं, अभी मैं उसे हमेशा के लिए साथ लेकर नहीं जा रही, बस कुछ देर तक उससे अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ। तू मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकती, तब भी नहीं रोक सकती जबकि मेरा प्रियतम हमेशा के लिए मेरे साथ चला जाएगा। तुम बस देखती ही रह जाओगी। नहीं। मगर उसने देखा कि विजय के ऊपर उसकी किसी बात का प्रभाव नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से उस दिव्य सुंदरी के सम्मोहन के प्रभाव में नजर आ रहा था। तानी ने एक बार उसकी ओर देखा। उस समय उसके होठों पर चैलेंज भरी मुस्कुराहट थी। फिर वो घूमकर आगे बढ़ गई। उसके साथ ही विजय भी आगे बढ़ गया। रुक जाओ विजय, ये कोई जादूगरनी है, इसके प्रभाव में मत जाओ, रुक जाओ विजय, दिव्या ने आर्तनाद किया।
मगर उसकी इस आर्तनाद पर विजय ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें इस जादूगरनी के साथ नहीं जाने दूंगी विजय, कहते हुए दिव्या ने आगे बढ़कर विजय का कंधा पकड़ना चाहा, मगर विजय का कंधा स्पर्श कर पाती इससे पहले ही उसके पूरे जिस्म में एक झटका सा लगा और वो अपना संतुलन कायम नहीं रख सकी। अपना संतुलन कायम रखने के प्रयास में उसका सिर दीवार से टकराया और यही वो क्षण था जबकि दिव्या की नींद टूट गई। वो बौखला कर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो दृश्य अभी तक उसके मस्तिष्क पर छाया हुआ था और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि अभी अभी उसने जो कुछ देखा था वो वास्तविकता थी या कोई सपना, मगर उसने अपने आप को बिस्तर पर बैठे पाया था इसलिए निश्चित था कि वो सपना ही था। मगर ये सपना वास्तव में इसके लिए हैरत अंगेजो आतंकित कर देने वाला था। उसके आतंक से वो अभी थर थर कांप रही थी। कमरे का अंधकार उस वातावरण को और भी अधिक डरावना बना रहा था, मगर बत्ती जलाने के लिए बिस्तर से कदम रखने का साहस वो नहीं जुटा पा रही थी। किसी प्रकार हिम्मत इकट्ठी करके उसने बिस्तर से नीचे कदम रखा तथा बत्ती जलाने के लिए स्विच टटोल कर दबा दिया। पलक झपकते ही पूरा कमरा दुधिया प्रकाश में नहा उठा और उस प्रकाश में सबसे पहले उसने बिस्तर को देखा और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि विजय उस घड़ी बिस्तर पर नहीं था। विजय उस कमरे से गायब था। एक प्राइवेट फर्म में विजय को नौकरी तो मिल गई थी, मगर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपने आप से उसे जिस प्रकार संघर्ष करना पड़ रहा था वो वही जान सकता था। ऐसा तो नहीं था कि किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करके वो हीन भावना का शिकार था, ऐसा तो बिल्कुल महसूस नहीं करता था, मगर अपनी मौजूदा परिस्थिति के कारण वो जिस कदर परेशान रहता था उस ये डर उसे हमेशा बना रहता था कि उसकी मानसिक उलझन का कोई प्रभाव उसकी कार्य क्षमता पर ना पड़े या इस उलझन में वो कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसके कारण उसकी नई नई नौकरी ही खतरे में ना पड़ जाए। यदि ऐसा हुआ तो और भी मुसीबत में फंस जाएगा। अब उसे अपनी गृहस्थी स्वयं ही चलानी थी और उसके खर्चे के लिए उसे अपने हाथों से ही मेहनत करके पैसा कमाना था। इस तरह ऑफिस में काम करते समय उसके मस्तिष्क पर उसी प्रकार के दबाव होते थे इसलिए वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश करता था। वैसे भी उसका वास बहुत सख्त आदमी था। ऑफिस के किसी कर्मचारी से कोई गलती या भूल होती थी तो उसके साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आता था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर तो विजय की जान ही सूख जाती थी, मगर ऑफिस में उसके सिवा सभी कर्मचारी पुराने थे इसलिए उनके साथ मामला डांट फटकार के साथ ही समाप्त हो जाता था। परंतु विजय को इसी बात का डर था कि यदि उसकी कोई गलती हो गई या उसका काम उसके बॉस को कभी संतोषजनक नहीं लगा तो उसके साथ मामला डांट फटकार तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसी प्रकार के मानसिक दबाव ने उसका स्वभाव काफी दब्बू बना दिया था और वो ऑफिस में काम करने वाले अपने दूसरे साथियों के साथ अपने आप को अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाया था। वो सबसे अलग अलग अपने ही काम में अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता था, मगर उसके बावजूद भी वहां अपने काम में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाता था। लंच के समय ऑफिस के उसके साथी जब ऑफिस की कैंटीन में चाय कॉफी के साथ ठहाके लगाते रहते थे उस समय विजय कोने के किसी एकांत टेबल पर बैठा हुआ दिव्या के हाथ का बना हुआ खाना खाता रहता था। किसी के हंसी या ठहाकों से उसे जैसे कोई सरोकार ही नहीं था। ये बात उसे बड़ी अजीब सी लगती थी कि उसके कुछ साथी तो बॉस की डांट फटकार सुनने के बाद भी इस प्रकार ठहाके लगाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो,
जबकि वो सोचता था कि यदि उसके सामने कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई तो उसके लिए तो काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। उसने स्वयं कभी अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था। यदि उसके किसी कर्मचारी से कोई भूल हो जाती थी तो डांटना फटकारना तो दूर, उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। यही कारण था कि उसके कर्मचारी उसका बहुत सम्मान करते थे और उसके व्यवहार का ही कारण था कि उसका कोई कर्मचारी कभी जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं करता था। इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें उसे बहुत अधिक सोचने पर मजबूर कर देती थी। शायद यही कारण था कि उसकी इस अतिरिक्त सावधानी के कारण उसे अभी तक इस प्रकार की किसी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। उन दिनों सभी कंपनियों पर सेल टैक्स के आकस्मिक छापे बहुत बढ़ रहे थे। आए दिन तो 4 घटनाएं समाचार पत्रों में छपी रहती थी। सुना था कि उन दिनों सेल टैक्स विभाग में जो अफसर आया हुआ था वो बहुत सख्त था, रिश्वत के नाम पर एक पैसा छूना भी पसंद नहीं करता था। उसके कारण बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में खलबली मची हुई थी। विजय जिस कंपनी में काम कर रहा था उसके मालिक यूं तो काफी प्रभावशाली लोग थे, काफी ऊपर तक उनकी पहुंच थी, मगर छापों की इस कार्यवाही ने उन्हें भी परेशान कर रखा था, क्योंकि उस नए अफसर के बारे में यही कहा जाता था कि किसी के उच्च स्तरीय संपर्कों का भी वो कोई लिहाज नहीं करता था। मगर अपने प्रभाव के कारण उन्होंने इस बात का पता पहले ही लगा लिया था कि उनकी कंपनी का नाम भी उस ऑफिसर की लिस्ट में था और इस प्रकार का छापा उसके दफ्तर में कभी भी पड़ सकता था। उससे बचने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं था कि अपनी फाइलों को किसी तरह भी दुरुस्त किया जाए। इसलिए इन दिनों बड़े स्तर पर यही काम चल रहा था। ऑफिस की वो फाइलें जो छापे के दौरान से सेलटेक्स ऑफिसरों के हाथ पड़ जाती तो कंपनी के मालिकों के लिए किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती थी। उन फाइलों को पहले ही गायब किया जा चुका था, शेष फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा था। ऑफिसर के दूसरे सभी काम रोककर ऑफिस का पूरा स्टाफ उन दिनों इसी काम में लगा हुआ था और ये कंपनी के मालिकों के प्रभाव के कारण ही सिद्ध हो सका कि उन्होंने इस प्रकार की किसी घटना का पहले ही पता लगा लिया था। शायद यही कारण था कि इन दिनों ऑफिस के काम में काफी चुस्ती आ गई थी और उस दिन ऑफिस में इस प्रकार की सूचना पहले ही पहुंच गई थी कि आज किसी भी समय ऑफिस में सेल टैक्स वालों की टीम पहुंच सकती थी। मगर इस सूचना पर अब ऑफिस के अधिकारी कतई चिंतित नहीं थे क्योंकि ऑफिस की सभी संबंधित फाइलों को अब तक दुरुस्त कर लिया गया था। उसके बावजूद भी ऑफिस के सभी कर्मचारियों को बता दिया गया था कि एक बार फिर अपनी अपनी फाइलों को चेक कर ले और उनमें से किसी में यदि कोई आपत्तिजनक बात हो तो उसे दुरुस्त कर ले। बाद में यदि किसी भी गलती या लापरवाही के कारण कोई गड़बड़ हुई तो फाइल से संबंधित कर्मचारी को उसका परिणाम भुगतान होगा। यह आदेश बड़ी सख्ती के साथ दिया गया था। ऑफिस के अन्य कर्मचारियों पर तो इस सख्त आदेश का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ, मगर विजय अंदर ही अंदर विचलित था। हालांकि उसने उस काम में जो कोई इसे सौंपा गया था किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की थी, फिर भी वो डर रहा था कि कहीं उसके काम में कोई गलती ना रह गई हो। इसीलिए वो अपने काम से दोबारा संतुष्ट होने के लिए उसमें व्यस्त हो गया। वो उस समय भी व्यस्त था जबकि वो टीम ऑफिस में दाखिल हो रही थी। इसका आभास होते ही ऑफिस में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसके बॉस कमल चड्ढा ने भी उसी टीम के साथ ऑफिस में प्रवेश किया। अपने स्वभाव के विपरीत कमल चड्ढा उस समय उस टीम की चाटुकारता करता नजर आ रहा था। हर समय उसके चेहरे से नजर आने वाली कठोरता एकदम गायब थी। अपने कर्मचारियों से भी वो उस समय बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। उस समय उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही नरम दिल एग्जीक्यूटिव था।
जबकि वास्तविकता उसके ठीक विपरीत थी। सेल टैक्स की इस टीम का नेतृत्व करने वाला युवक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था, जिसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण व्यापारियों का वह वर्ग विशेष रूप से परेशान था जो टैक्सों की चोरी करके लगातार गवर्नमेंट को चूना लगा रहा था और जिसका एक बड़ा हिस्सा संबंधित सरकारी अधिकारियों की भी जेब में चला जाता था। ऐसे बहुत से व्यापारियों और व्यवसायिक संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा चुकी थी। साथ ही ये भी कहा जा सकता था कि वो ऑफिसर ईमानदार व्यापारियों और ईमानदार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रति बेहद मैत्रीपूर्ण ढंग से पेश आता था। उसकी ईमानदारी का चर्चा पहले ही इस कदर फैला हुआ था कि उसे रिश्वत के बल पर खरीदने की तो हिम्मत ही कोई नहीं कर सका था। टीम के ऑफिस में कदम रखते ही सनसनी फैल गई थी। विजय उस समय भी अपनी किसी फाइल का पुनः निरीक्षण करने में व्यस्त था, मगर उस घड़ी उसने भी अपना चेहरा उठा कर देखा। कमल चढ़ा जिस युवक की चाटुकारिता करता नजर आ रहा था उस पर विजय की दृष्टि भी पड़ी। यही ऑफिसर था जिसने भ्रष्ट व्यापारियों की नींद हराम करके रख दी थी। मगर विजय की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, मगर उसने जो कुछ देखा था वो ठीक ही था। अगले ही पल उसने अपना चेहरा घुमा लिया तथा इस प्रकार अपने काम में व्यस्त हो गया कि उस ओर किसी का ध्यान ही आकर्षित न हो सके। उसकी आंखों में उस समय अनिश्चय के भाव थे। विजय बाबू आप? ईश्वर में हैरत और अविश्वास था। अरे दीपक, तुम यहां और मुझे बताया तक नहीं, विजय ने अपनी उदासी को छिपाते हुए कहा। मैंने नहीं बताया? कब बताया? तुमने बताया होता तो मुझे पता ना होता कि आज तुम ही मेरे ऑफिस में पधार रहे हो। कैसे बताता? क्यों, क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी। क्या आपका कहीं पता ही नहीं चल सका? यहां आते ही मैंने तुम्हारी कोठी पर पहुंचा था, मगर वहां तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए। वहां पूछा होता, आप समझते हैं कि मैंने पूछा नहीं होगा? पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। किसी को पता होता तो बताता। उसके बाद मैंने स्वयं आपकी तलाश में बहुत कोशिश की, मगर आपका तो कहीं पता ही नहीं चल सका। खैर छोड़ो, विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अपनी सुनाओ, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। यहां कब से हो? महीनों हो गए। कमाल है। कमाल तो है ही, आप अपनों परायों को बिल्कुल ही भूल गए। ये तो आपके स्वभाव में नहीं था। आखिर ये क्या पहेली है? कोई पहेली नहीं यार, बस यूं समझो कि इस बीच में इतना बिजी रहा कि किसी से संपर्क ही नहीं हो सका। किस मामले में बिजी रहे? छोड़ो ये सब, कोई विशेष बात नहीं है। ये बताओ, घर कब आ रहे हो? तुम्हारी भाभी बहुत याद करती है तुम्हें। घर का पता तो चले एक बार, मैं तो अभी घर चलने के लिए तैयार हूं। विजय बेटे, कमल चड्ढा ने स्वभाव के ठीक विपरीत मर्म ओ मीठे स्वर में कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि राठी साहब तुम्हारे परिचित हैं? कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया सर, और फिर मैं स्वयं नहीं जानता था कि। ठीक है ठीक है, मैं भी सुन रहा हूं। अब मिले हो तो क्या इसी तरह खड़े खड़े बातें करते रहोगे? राठी साहब को मेरे चैम्बर में लेकर चलो, वहां आराम से बैठकर बातें करना। हमारी बातें? दीपक राठी ने कहा, किसी दूसरे चैम्बर में नहीं हो सकती चड्ढा साहब। इसके लिए तो हमें लंबा समय और एकांत चाहिए, ताकि अब तक की सारी शिकायतें मैं विजय बाबू से कर सकूं। तो क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा क्या विजय बाबू का ही चैम्बर समझिए? इसे मैं अपने बेटे की तरह ही चाहता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, कमल चड्ढा ने कहा। क्यों विजय? यस यस सर, विजय ने कहा, मगर वो जानता था कि आदमी सफेद झूठ बोल रहा था। उसने आज से पहले कभी उससे बात तक करना गवारा नहीं किया। बेटे की तरह मानना तो दूर की बात थी, और वो दीपक राठी की ओर आकर्षित हो गया। आप मेरे बेटे से परिचित है राठी साहब? कमल चड्ढा ने कहा। इस तरह मेरा भी
कुछ ना कुछ रिश्ता तो आपसे जुड़ ही गया, इसलिए वहीं चलकर और आराम से बैठकर बातें कीजिए। मैं वो सारी फाइलें भी वहीं मंगवा दूंगा जो आप देखना चाहेंगे। चलिए फिर, दीपक राठी ने बेमन से कहा। वैसे उस आदमी की असली नीयत तो समझ ही रहा था, मगर विजय के कारण वो कोई तीखी बात नहीं कर सका। कमल चड्ढा दीपक राठी की टीम के साथ अपने चैम्बर की ओर जाने के लिए मुड़ा, मगर विजय ने अपनी टेबल से हिलने का अभी तक कोई उपक्रम नहीं किया। अरे विजय बेटे, तुम यहीं खड़े हो? चड्ढा ने पलट कर उसकी ओर देखते हुए कहा। चलो ना, राठी साहब ने तुमसे ही तो बात करनी है। जी आओ आओ भाई, विजय ने हिचकिचाते हुए अपनी टेबल छोड़ दी। देखो कैसी चमचागिरी कर रहा, ऑफिस का एक कर्मचारी अपने साथी के कान में फुसफुसा रहा था, चमचा कहीं का। मगर इस नए बाबू विजय के तो मजे ही मजे हैं अब, उसने आंसू भरते हुए कहा। जब तक सेल टैक्स वाले यहां मौजूद है, दूसरे ने कहा, इसके बाद तो ये वही चड्ढा होगा, अपना वही पहले वाला रूप दिखाएगा। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो तू, उसने कहा। तब तक विजय, कमल चड्ढा और सेल टैक्स वालों की टीम वो दरवाजा पार कर चुकी थी। दिव्या और तानी के बीच प्यार की इस जंग में, अपने सुहाग के लिए इस जंग में जीत किसकी होगी, ये जानने के लिए आप लोग जरूर सुनिएगा इसी उपन्यास की अगली कड़ी। एक तरफ थी इच्छाधारी नागिन तानी, जो 200 सालों से अपने प्यार के इंतजार में अपने सुहाग के लिए तड़प रही थी, जन्म जन्मांतर से अपने सुहाग के लिए इंतजार कर रही थी। तो दूसरी तरफ थी दिव्या, जो विजय से बहुत प्यार करती थी, जो उसका पति था, उसका सब कुछ था, और वो हर कीमत पर अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती थी, अपने सुहाग को अपने पास रखना चाहती थी। एक तरफ इच्छाधारी नागिन का प्यार समर्पण और दूसरी तरफ एक इंसान का प्यार उसका समर्पण। अब देखना ये होगा कि दोनों की इस जंग में जीत किसकी होती है। तो जरूर सुनिएगा नागिन और सुहागिन इस नोवेल का छठी कड़ी में इसका आगे का कथानक। तब तक के लिए दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।